एक और चीज़ जो इस क्रीम के बारे में बहुत डिस्कस की जाती है कि इस क्रीम के वाइटनिंग रिजल्ट्स भी हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, अस्सलाम वालेकुम, तो आज हम रिव्यू करेंगे सेतगनी के फुट एंड हैंड क्रीम का। तो ये क्रीम जो है ये मैंने सेतगनी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदी है। इसमें हमें मिलती है 150 ग्राम की प्रोडक्ट, जो कि अच्छी खासी प्रोडक्ट है, और ये क्रीम 380 रुपये में मैंने वहाँ से खरीदी है। ये क्रीम जो है ये 3 साल तक के लिए काफ़ी इस्तेमाल है, और इसकी बैक पर इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं खुद भी, लेकिन इसमें पैराबन भी ऐड है, सो कीप दैट इन माइंड। नीचे आपको जो लास्ट दो इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं वो दोनों पैराबन हैं, तो अपने जहन में रखिएगा कि इस क्रीम में इन्होंने पैराबन भी ऐड किए हुए हैं। एनीवेज, ये जार जो है ये प्लास्टिक के है, और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो अंदर हमें लाइट पिंक कलर की क्रीम मिलती है। इस क्रीम का टेक्सचर जो है वो लाइट टू मीडियम है, और इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी नाइस और माइल्ड सी है। काफ़ी अच्छी प्लीजेंट सेंट है इसकी, बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती। और आपको एक मुनासिब सी क्वांटिटी चाहिए होती है अपने हाथों और पाँव पर इसको अप्लाई करने के लिए। ये क्रीम जो है ये स्मूथली अप्लाई हो जाती है और इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है हमारी स्किन में, और हमारे हाथों पाँव की स्किन को काफ़ी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर देती है, और हाथों पाँव की स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी बना देती है। ये क्रीम जो है ये हाथों या पाँव पर बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होती, और ना ही उनको स्टिकी बनाती है, और उसके अलावा ये लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर फ्राहम करती है, मतलब इसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ये बात मुझे इस क्रीम की अच्छी लगी है। उसके अलावा इस क्रीम के ऊपर मेंशन नहीं है कि ये किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। आपकी कोई से भी स्किन टाइप हो, आप इस क्रीम को अपने हाथों और पाँव की स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इस क्रीम के बारे में बहुत डिस्कस की जाती है कि इस क्रीम के वाइटनिंग रिजल्ट्स भी हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, इस क्रीम के ऊपर ना तो ये क्लेम है कि ये वाइटनिंग प्रोवाइड करती है, और ना ही इसके इंग्रेडिएंट्स में कोई ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो कि वाइटनिंग हो, तो इसके वाइटनिंग रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन ये है कि अगर आपकी हाथों पर थोड़ी बहुत झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो आपके लिए ये बेहतर है। स्लोली हो सकता है कि आपके रिंकल्स भी ये काफ़ी हद तक फेड अवे करें। तो इसके रिजल्ट्स हैं लेकिन बहुत स्लो हैं, मतलब रिंकल्स, हाथों के रिंकल्स वगैरह रिमूव करने में। बाकी इसके वाइटनिंग रिजल्ट्स कोई नहीं है, लेकिन हाथों पाँव की केयर के लिए ये एक अच्छी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, तो मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लें। अगर आपने यूज़ की हुई है तो अपना रिव्यू नीचे कमेंट्स में ज़रूर दे के जाएँ। इसी साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।